सरकार डायग्नोस्टिक सेंटर, सरकार के नाम पर काला धब्बा। सरकार डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच के नाम पर खेला जाता है मौत का खेल। बेहोशी का इंजेक्शन देकर सरकार डायग्नोस्टिक सेंटर सुलाता है मौत की नींद। 30 साल के किरण को सरकार डायग्नोस्टिक में लगा दिया मौत का इंजेक्शन। जब इंजेक्शन लगा दिया बीओसी का, 15 मिनट बाद होश नहीं आया तो कह रहे सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड कराने किरण गई थी सरकार डायग्नोस्टिक सेंटर, मां बनने की चाहत में गई थी अल्ट्रासाउंड कराने, मिली मौत। हत्यारे सरकार डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टरों पर कब होगी कार्रवाई? सरकार डायग्नोस्टिक सेंटर में की हत्या, नीरा नर्सिंग होम से कराया मौत का ऐलान। हाँ सर, उनको ट्रांसफर कर दिया नीरा हॉस्पिटल। सरकार डायग्नोस्टिक में मौत के बाद डॉक्टरों ने लाश को जबरन इलाज के नाम पर भेजा नीरा नर्सिंग होम। यही एक्सपायर हुई है और उन्होंने जब देखा कि मामला ज्यादा गड़बड़ हो गया है तो नीरा नर्सिंग होम भेज दिया। नीरा नर्सिंग होम और सरकार डायग्नोस्टिक के बीच किरण की लाश लेकर दौड़ते रहे परिजन। मामला दबाने के लिए शाम 6:30 बजे ही सरकार डायग्नोस्टिक सेंटर ने कर दिया अंधेरा। किरण की मौत पर रोते परिजनों से पुलिस बोली नाटक बंद करो नहीं तो पड़ेंगे थप्पड़। और यहाँ पर तुरंत पुलिस बुला ली गई, पुलिस बदतमीजी से हमसे बात कर रहे थे। सरकार डायग्नोस्टिक के मालिक को पद्मश्री सम्मान। वाहरे सरकार, क्या योगी सरकार में भी बच जाएंगे किरण के हत्यारे डॉक्टर?